மீட் தூவி தேது என்றது இது சொல்லியா ஏன் மேல வாழ்ந்த அவன் கேடா இது கவிச்சார் இல்ல ஒரே மேரி வேன் तो आज का प्लान कुछ ऐसा है आज फादर्स डे है तो इन्होंने केक मंगा लिया है अभी देखते हैं और क्या होता है अच्छो बोलो आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे अपने पापा को एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज देंगे मुझे किसी ने नहीं दिया आज तक होली में बेटू को केक देंगे हैप्पी फादर्स डे बाबूजी बाबू पगड़ी ला ली इधर देखो सारे फोटोग्राफर्स तैयार बजा दूं ओ रुक रुक बजा दे भूख मार दे हम भूख मार दे नहीं हो ऐसा करो हैं भूख मार दे हैप्पी फादर्स डे ले बाप ले हैप्पी बर्थडे टू यू अंशु तेजा अंशु ब्लॉग में आने के लिए कर रहा है तो उसके बाद हम अंशु के साथ खेलने लगे अंशु मतलब आन खेड़ा मेरा भांजा उस दिन उसके साथ हम मतलब ऐसे ही हैप्पी बर्थडे खेलने लगे बच्चा है कुछ भी खिला दो कोई दिक्कत नहीं है ना तो उसने पहली बार बोला हैप्पी बर्थडे टू यू उसकी क्लिप ये है Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anshu. Happy birthday to you. फिर उसके बाद मैं गया अपनी बहन को एग्जाम दिलाने जैसा कि देख सकते हो तो अभी मैं हूँ मैं अपनी बहन को पेपर दिलाने आया वहाँ पे ये कोई कॉलेज है जंगल के बीच में बिल्कुल मतलब हरियाणा में ज़्यादातर कॉलेज जंगलों के बीच में ही होते क्योंकि वहाँ पर ज़मीन सस्ती होती है हमारी भी एक ज़मीन कॉलेज के नाम हुई पड़ी है नाम मैं लूँगा नहीं देखो पीछे जो कॉलेज दिख रहा है ना ये वही है अभी यहाँ पे मैं अपनी बहन को मतलब मेरे बहन मेरे दोनों बहन और भाई और भाभी तीनों बीएड कर रहे तो यहीं पे ही सब ने एक साथ भर दिया अब सोच लो ये कौन सा कॉलेज और कैसा होगा इसके बाद मतलब आज लास्ट पेपर है इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इसके बाद मैं आऊँगा नहीं यहाँ पे इसलिए यहाँ का ब्लॉग बना दिया मैंने थोड़ा सा इसके बाद हम कहीं जाएंगे इन्होंने कुछ प्लान बनाया पता नहीं जाएंगे भी या नहीं जाएंगे वो देखेंगे बाद में पर जब मैं वहाँ पे ब्लॉग बना रहा था ना तो वहाँ पे एक आंटी देख रही थी मेरे को कार के सामने अब मेरा कुछ ऐसा है ये देखो मोबाइल है माइक है मतलब मैं मोबाइल से ब्लॉग करता हूँ इसलिए स्ट्रेट वाला और मैं मोबाइल से ही ब्लॉग करूँगा फ्यूचर में भी फिर उसके बाद जैसे कि डिसाइड हुआ था मेरी बहन मैं मेरा भाई और भाभी हम सब एक होटल में गए वहाँ पर हमने खाना वाना खाया तो गाइस हम कॉलेज से बाहर आ चुके हैं और ये रही बच्चा पार्टी और ये पार्टी हमें स्पॉन्सर कर रही है हमारी भाभी भाभी थोड़ा चिंतित है कि बिल बिल कैसे होएगा कुछ ज़्यादा ना हो जाए वहीं से मतलब कॉलेज के वहीं से थोड़ा चिंतित सी हो गई है मैं चेहरे पर पूरी गंभीरता देख सकता हूँ भाभी के मैं देख रहा चलो तो थोड़ी देर बाद मिलते खबरों पे सब कुछ तो दोस्तों आज हमें बल्लाकोट में गुफा रेस्टोरेंट में जहाँ खाना रियली में बहुत टेस्टी है अभी आना ट्राई करना
चिकन तो यहाँ का सबसे बेस्ट है और शाही पनीर भी, मतलब फरीदाबाद की सबसे बेस्ट शाही पनीर यही मिलती आज तक जहाँ भी खाई। तो आना और ट्राई करना, खाना और देखना। वैसे तो अभी तो हम तो मज़े से खाएंगे क्योंकि बिल भाभी देने वाली है। तो गाइस खाना खत्म हो चुका है, सबसे ज़्यादा खाना किसने खाया है? दीदी तू नहीं खाया। अब मैं बिल पे करने जा रही हूँ। यहाँ पर मुंह मीठा करते हुए खाना खाने के बाद, पर मेरे को ये अच्छे नहीं लगते। ये देखो मुझे ना ये सौंफ बहुत अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं खाता नहीं। इन सबको लगती है। बोलो जवान। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, तो अभी घर मिलूँगा। बाय बाय। फिर उसके बाद हम घर आ गए। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। ये रहा मेरा शैतान भांजा, मेरे माइक के कवर से खेल रहा है। ये बहुत शैतान है। हाँ भाई कुछ बोलो, से समथिंग। हाँ देख लो, ये ओला चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन भी दबाओ। हाँ समझ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, सब शेयर भी कर देंगे। वहाँ बड़े तो टेंशन क्यों ले रहा है। बस। तो कहानी होती है यहीं पे खत्म आज की। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तो यार अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली और अपने बारे में सोचो, बाकी दुनिया की भाड़ में। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।